नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा हैरियर के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे टाटा हैरियर के पास खूबियों के बारे में। हालांकि टाटा हैरियर में इस एसयूवी में टाटा ने काफ़ी सारे खूबियाँ जो हैं वो डाली हैं, फिर भी आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट एंड मेन जो इसकी 5 खूबियाँ हैं आज हम इस वीडियो में उसी के उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की गाड़ी के 5 खूबियों के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो चलिए आइए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी सस्पेंशन सेटअप से। अगर आप इसकी सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये काफ़ी आपको जो कंफर्ट राइड आपको प्रोवाइड करती हैं, रास्ते की गद्दों को ये काफ़ी अच्छी तरह से सोक कर लेती हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं। एंड अगर आप इसकी सस्पेंशन की बात करते हैं तो आपको जैसे पहले इंडिका में भी मिलती थी और काफ़ी जो टाटा की गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती हैं, गड्ढों में आपको जो राहत मिलती है वो आपको टाटा हैरियर में भी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप बात करते हैं ग्रिप एंड हैंडलिंग की, जब पहले वाली जो टाटा आती थी उन टाटा में सिर्फ ध्यान दिया जाता था कि वो रास्ते की गड्ढों को अच्छी तरह से वो सोख ले, लेकिन टाटा हैरियर में आपको ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसकी जो हैंडलिंग की आपको फीडबैक है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये लैंड रोवर की डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, इसीलिए यहाँ आपको काफ़ी कंफर्ट मिलेगी गाड़ी को चलाने में भी। उसके बाद अगर आप बात करते हैं स्टोरेज एंड इंटीरियर की, अगर आप बात करते हैं तो यहाँ आपको इंटीरियर में काफ़ी सारे जो स्टोरेज हैं आपको प्रोवाइड की गई हैं। आप देख सकते हैं आपको रियर पैसेंजर के लिए भी मोबाइल होल्डर्स आपको पीछे की तरफ मिलती हैं। यहाँ आपको अंदर की तरफ वुडन फिनिश आपको इंटीरियर मिलती है बिल्कुल, एंड आपको काफ़ी स्टोरेज मिलती हैं डोर्स में भी, ताकि आप 1 लीटर की बोतल जो है वो आप अच्छी तरह से कैरी कर पाए। एंड आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन की लेफ्ट की तरफ आपको ग्लोव बॉक्स दिखाई दे रही होगी, वहाँ भी आपको काफ़ी स्पेस जो है वो मिल रही है। एंड आपको फ्रंट की आपकी जो आर्म रेस्ट होती है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी ग्लास होल्डर्स, एंड आपको पीछे की आर्म रेस्ट में भी आपको ग्लास होल्डर्स देखने को मिलेगी। तो आपको काफ़ी यहाँ पे स्टोरेज दी गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाटा हैरियर के म्यूजिक सिस्टम के बारे में, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ आपको प्रोवाइड की जाती हैं JBL की 9 स्पीकर्स, जो कि काफ़ी आपको अच्छी साउंड क्वालिटी देती हैं। तो JBL से जब से टाटा की जो डील हुई है उसके बाद से हमें काफ़ी अच्छे म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल रही हैं। एंड टाटा हैरियर सेफ्टी के मामले में भी आपको कोई कसर नहीं देती हैं, नहीं छोड़ती हैं, आपको मिलती हैं CR बैग्स यहाँ पर आपको मिलती हैं 5-स्टार रेटिंग्स के साथ। उसके बाद अगर हम इसकी मेन जो इसकी खूबी है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है उसकी उस प्राइस पॉइंट पे आपको इतने सारे फीचर्स, इतनी प्रीमियम जो फील्स हैं वो टाटा के अलावा आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं। टाटा हमारी इंडियन कार ब्रांड है, इसीलिए ये गाड़ी जो है टाटा ने काफ़ी जो मेहनत करके हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की है इतने फीचर्स के साथ। इसकी आपको टॉप एंड वेरियंट मिलती है तकरीबन 18 लाख के आसपास। तो ये गाड़ी में आज हमने बात की इस गाड़ी के 5 खूबियों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये गाड़ी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट कीजिए आपको ये गाड़ी कैसी लगती है। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमारे चैनल पर ही ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी अपडेट्स, न्यूज़, रिव्यूज़ एंड छोटे मोटे ट्रिप्स के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अंत में आपका यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।